गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी गोइंग टू लर्न ए लेसन नंबर 6 हाइवाथा इज स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश. हाइवाथा इज रिटन बाय एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो. तो यहाँ पर एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने हाइवाथा के बारे में बताया है. हाइवाथा जो वो है एक यंग मैन और रेड इंडियन मैन है. तो हम देखते हैं हाइवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंडफादर नोकोमिस इन अ विगवाम. तो हाइवाथा जो वो एक यंग रेड इंडियन मैन है और वो अपनी दादी उसका नाम जो है नोकोमिस उसके साथ विगवाम में रहता है. विगवाम का मतलब ऐसा होता है कि जो सूखे घास और टिंकों से बना हुआ जो तंबू के स्टाइल का जो हट यानी कि झोंपड़ा होता है उसको विगवाम बोलते हैं. नोकोमिस टॉट हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. और नोकोमिस जो उसकी दादी थी हाइवाथा उसके आसपास की जो भी सारी चीजें थी उसके बारे में सब कुछ बताती थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स द ट्रीज द इंसेक्ट्स द बर्ड्स द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. तो हाइवाथा की जो दादी थी नोकोमिस जिसको सब कुछ बताती थी जैसे कि स्टार्स के बारे में सभी ट्रीज के बारे में एनिमल्स के बारे में इंसेक्ट यानी कि जीव जंतुओं के बारे में और कुछ जो भी चीजें थी उसके बारे में सब कुछ बता दी थी. हाइवाथा ग्रू अप टू द लव देम ऑल. ही कूल्ड टॉक द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे ग्रू हिम. तो हाइवाथा अपना पूरा जो समय था उसके साथ बीता था उसके साथ बातें भी करता था और जो भी एनिमल्स जो भी प्राणियाँ थे वो सभी उसके साथ बातें चीतें करते थे. तो हम पॉइंट को देखते हैं. देन द लिटल हाइवाथा लर्निंग ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. तो ये लिटल हाइवाथा जो हाइवाथा था वो सभी जो पर्सन की पक्षियाँ सभी पक्षियों की जो लैंग्वेज यानी कि भाषा थी उसके बारे में उसने सब कुछ सीख लिया था. लर्निंग देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. सीक्रेट्स का मतलब क्या होता है कि उनकी जो भी गुप्त बातें होती ना वो. तो हाइवाथा जो था उसने जो पक्षियों की सभी लैंग्वेज उनके सभी का नेम्स और उनकी जो भी सीक्रेट बातें थी वो सभी हाइवाथा ने सीख ली थी. हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर. तो उसने ये भी सीख लिया था कि समर यानी कि गर्मी के मौसम में वे सब बिल्ट देयर नेस्ट. गर्मी के मौसम में वो अपना घर कहाँ पर बांधते थे कैसे बांधते थे और जो ठंडी की यानी कि हाँ ठंडी की जो ऋतु तो ठंडी की ऋतु में वो अपना जो खोरा जो थे वो कहाँ छिपाते थे. टॉप लव विथ हिम व्हेनेवर ही मेट देम गोल्डन हाइवाथा सीकर. और जब भी हाइवाथा ये सभी बर्ड्स को मिलता था तो उनके साथ बातें चीतें भी करता था और उनको क्या बोलता था हाइवाथा चिकन्स. ऑफ ऑल बेट्स ही लर्नड द लैंग्वेज. पहले उसने सभी बर्ड्स की जो लैंग्वेज थी उनकी सीक्रेट मैटर जो थी उनके नेम्स थे उसके बारे में उसने सीख लिया था. आगे वो क्या करते हैं जितने भी एनिमल्स थे सभी एनिमल्स की लैंग्वेज सीक्रेट्स बातें और नेम्स सब कुछ उसने सीख लिया था. तो लर्नड देयर नेम्स एंड ऑल द सीक्रेट्स. हाउ डू बीवर्स बिल्ट देयर लॉग्स. वेयर द स्पिरल्स हाइड देयर एक्वर्न्स. बीवर्स का जो बीवर्स जो है नॉर्थ अमेरिका की एक जानवर है ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही हमको देखने को मिलती है. और लॉग्स यानी कि इसका घर जो होता है उसका माला जो होता है टिंको और दस से बना हुआ जो इसका घर होता है वो. तो उसने ये भी सीख लिया था कि बीवर्स नॉर्थ अमेरिका की एक जानवर जो है वो कहाँ पर अपना घर बनाती है. वेट स्पीरल ही जेर एक्स. स्पीरल का मतलब होता है गिलहर और ये एक्स जो है नट ऐसे खाने की चीज आते. तो जो स्पीरल है वो अपनी खाने की चीज जो नट है एक्स को कहाँ छिपाती है वो भी इसने सीख लिया था. हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली व्हाइल द रैबिट वाज सो टिमिड. उसने वो भी सीख लिया था कि रेंडियर यानी कि हिरन और टिमिड यानी कि डरपोक. तो जो ये रेंडियर जो हिरन है वो कैसे इस तरह से स्विफ्टली यानी बहुत अच्छी तरह से वो दौड़ पाते हैं और जो रैपिड यानी कि खरगोश जो है इतना टिमिड इतना डरपोक क्यों होते हैं. टॉप द विच एंड व्हेनेवर ही मेट देम कॉल्ड देम हाइवाथास ब्रदर. और जब भी हाइवाथा ये सभी एनिमल्स को मिलता था तो उनके साथ बातें चीतें भी करता था और वो सभी एनिमल्स जो थे उसको हाइवाथास ब्रदर कहकर वो बुलाता था.
तो यहाँ पर हमारा जो पोएम है यहाँ पर फिनिश होती है। गुड बाय।